व्यूअर्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। बाकी के वीडियो की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि मई 2020 में संपन्न पहले FIDEchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब किस देश की टीम ने अमेरिकी टीम को पराजित कर जीता? तो इसका उत्तर होगा चीन ने। और 25 अगस्त से 10 सितंबर 2010 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल कप विश्व कप 2023 के ग्रुप चरण के मुकाबले कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए फीफा विश्व कप, फीफा बास्केटबॉल का विश्व कप जो है 2023 में होगा। तीन जगह होगा, इंडोनेशिया में, जापान में और फिलीपींस में। ये होगा मई 2020 में। किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनका नाम है संदीप कुमारी। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अप्रैल 2020 में अमरीकी क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा जे अरुण कुमार। 20 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने चिली के टेनिस खिलाड़ी निकोलस जैरी पर खेल के डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें किस प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया गया? तो एक प्रतिबंधित दवा थी, उसका वो सेवन कर रहे थे, इसलिए उन पर 11 महीने का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। दवा का नाम है लिगैंड्रोल और एनाबोलिक स्टेरॉयड एस्टेनेजोलोल। दवा का नाम एक बार दोबारा देख लेते हैं, लिगैंड्रोल एनाबोलिक स्टेरॉयड एस्टेनेजोल दवा का नाम है। और अगला है कि अप्रैल 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में रोहित शर्मा को क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये संस्था कहाँ पर है? तो ये दुबई में स्थित है। 18 अप्रैल 2020 को आई लीग समिति ने कोरोना वायरस COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने पर हीरो आई लीग 2019-20 बचे हुए 28 मैचों को रद्द कर किस फुटबॉल क्लब को इस लीग का चैंपियन घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा मोहन बागान। 2017 से 2019 तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल के सदस्य रहे किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज को पुनः इस पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अखिल कुमार। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर वर्ष 2018 के डोपिंग मामले में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। वह किस देश के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। 4 मई 2020 को किस भारतीय महिला पैरा एथलीट ने सक्रिय खेलों से सार्वजनिक संन्यास की घोषणा की, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर फरवरी में हुए चुनाव में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका उत्तर होगा दीपा मलिक। अप्रैल 2020 में संपन्न बंटर ब्लिट्ज कप 2020 का खिताब फाइनल में नॉर्वे के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने जीता? तो ये जीता था आर्लिजा फिरोजा ने, जो कि ईरान से संबंध रखती हैं। और अप्रैल 2020 में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन के लिए एम्बेसडर द्वारा नामित किया गया है, यानी कि उनको एम्बेसडर नामित किया गया है, राजदूत नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा PV सिंधु। 9 से 15 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित होने वाले चौथे पैरा ओलंपिक खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका आधिकारिक शुभंकर जो है फेई है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि ये ओलंपिक 2022 में होगा, चौथा पैरा ओलंपिक होगा। अप्रैल 2020 में किस भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी को उन 50 फुटबॉलरों में शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच ह्यूमैनिटीज हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए फीफा की पहल में भाग लिया था? तो इसका उत्तर होगा बाईचुंग भूटिया। अप्रैल 2020 में विजडन द्वारा किस क्रिकेट खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है? तो ये चुना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड से हैं। फिर से देख लेते हैं, अप्रैल 2020 में विजडन द्वारा किस क्रिकेट खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है? ये चुना गया है बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड से हैं। अप्रैल 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा हांगझाऊ चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट्स को चुना गया है, जिसे सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन 3 रोबोट्स को सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बनने वाले कुछ और सवालों को देखते हैं। पहला सवाल तो यही बन सकता है कि 19वां एशियाई खेल कब होगा? तो ये 2022 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो ये चीन के हांगझाऊ में होगा, यानी कि चीन में ये 19वां एशियाई खेल होगा। 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के मध्य 7वें ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को पराजित कर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके जीता था।
21 फरवरी 2020 को कौन क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट, वनडे तथा टी20 में 100-100 मैच खेलने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज बन गया? तो इसका उत्तर होगा रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। फरवरी 2020 में किस टीम ने ICC महिला चैंपियनशिप 2017 से 2020 की ट्रॉफी जीत ली है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है ICC महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है और सबसे ज़्यादा जो है वो 34 अंक प्राप्त करके इस ट्रॉफी को इन्होंने हासिल किया है। 9 फरवरी 2020 को संपन्न अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश ने पहली बार जीता है? तो पहली बार जीता है बांग्लादेश ने, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज अंडर 19 विश्व कप 2020 का ये चुना गया है सशवी जायसवाल को, और इन्होंने सबसे ज़्यादा 400 रन बनाए हैं। और 10 से 13 फरवरी 2020 के मध्य FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2019 के अंतर्गत कितने भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 3 भारतीयों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें जो कौन कौन शामिल हैं, एक है मनप्रीत सिंह पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, और दूसरे हैं लाल रैमसियामी, इनका नाम है लाल रैमसियामी, जो कि महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, और विवेक प्रसाद हैं पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। 9 फरवरी 2020 को संपन्न नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुष एवं महिला खिताब क्रमशः किसने जीता? तो पुरुष खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने, वहीं महिला खिताब जीता है एमी कमानी ने। 9 फरवरी 2020 को संपन्न नेशनल स्नूकर्स चैंपियनशिप का पुरुष एवं महिला खिताब क्रमशः किसने जीता? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरी जो है खेल से संबंधित है, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का है ये खिताब, तो जिसमें जो है पुरुष वर्ग का जीता है आदित्य मेहता ने, वहीं महिला जो है का खिताब जीता है विद्या पिल्लई ने। फरवरी 2020 में किस एथलीट ने पोल वाल्ट में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? तो पोल वाल्ट में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले आर्मंड डुप्लांटिक, जो कि स्वीडन के हैं। 12 फरवरी 2020 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रॉबिन सिंह। 2 फरवरी 2020 को संपन्न वर्ष 2020 की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को किसने पराजित कर रिकॉर्ड 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब अमेरिका की सोफिया केनिन ने किसे पराजित कर जीता? तो इसका उत्तर होगा गार्बिने मुगुरुजा, जो कि स्पेन से हैं। 2 फरवरी 2020 को थाईलैंड में संपन्न नॉन थावरी टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला एकल वर्ग में फ्रांस की क्लो पैक्वेट को पराजित कर खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा अंकिता रैना। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि पूछा जा सकता है कि नॉन थावरी टेनिस टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? नॉन थावरी टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित इसका हो जाएगा, और मिलान करने के लिए इस तरह के सवाल आते रहते हैं स्टेट पीएससी में। 18 जनवरी 2020 को होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता होबार्ट इंटरनेशनल 2020 के एकल वर्ग का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने किसे पराजित कर जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा झांग सुआई, जो कि चाइना से संबंधित हैं। और 18 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता एडिलेड इंटरनेशनल 2020 के प्रमुख एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंद्र रुबलेव, जो कि रूस से हैं। 14 से 19 जनवरी 2020 के मध्य भारत में संपन्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की, इस श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो इसका उत्तर होगा विराट कोहली, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। 24 जनवरी 2020 को कौन से देश की क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी है? तो उसका उत्तर होगा इंग्लैंड, जिन्होंने 1022वें टेस्ट मैच में यह कीर्तिमान बनाया है। 2 फरवरी 2020 को भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध संपन्न 5 T20 मैचों की श्रृंखला 5-0 से जीत लिया है, और इस T20 श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो ये चुना गया है के लोकेश राहुल को। और वहीं पर अगला सवाल इन्हीं से संबंधित है, 2 फरवरी 2020 को संपन्न भारत न्यूजीलैंड के मध्य 5 T20 मैचों की श्रृंखला में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक यानी कि 224 रन बनाकर किसी एक श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा के लोकेश राहुल। 3 से 12 जनवरी 2020 को टेनिस प्रतियोगिता ATP कप 2020 का प्रथम संस्करण ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ, इस प्रतियोगिता का खिताब सर्बिया ने किस देश को पराजित कर जीता था? तो सर्बिया ने स्पेन को पराजित करके यह खिताब जीता है। कतर ओपन 2020 के पुरुष युगल का खिताब भारतीय टेनिस खिलाड़ी
रोहन बोपन्ना ने किसके साथ जोड़ी बनाकर जीता, तो इसका उत्तर होगा वेस्ले कुलहाब, जो कि नीदरलैंड से हैं। टेनिस प्रतियोगिता एडिलेड इंटरनेशनल 2020 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यह खिताब जीता है। और अगला सवाल है कि 11 जनवरी 2020 को कतर, जो कि दोहा की राजधानी है, में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कतर ओपन 2020 के प्रमुख एकल का खिताब किसने जीता, तो रूस के आंद्र रूबलेव ने यह खिताब जीता है। 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं पर अगला है कि 7 जनवरी 2020 को ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए घोषित 16 अंपायरों सहित 19 मैच अधिकारियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अंपायर कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिल चौधरी। अनिल चौधरी इस टीम में शामिल एकमात्र भारतीय अंपायर हैं। 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में संपन्न प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण का खिताब नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को पराजित कर किसने जीता, तो ये जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने, लगातार दूसरी बार इस खिताब को जीता है। और अगला सवाल है कि 81वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है हरमीत देसाई ने, वहीं पर महिला एकल का खिताब जीता है सुतीर्था मुखर्जी ने, जो कि हरियाणा से संबंध रखती हैं। और 16 जनवरी 2020 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज 2020 का खिताब किसने जीता, तो उसका उत्तर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। 25 से 30 दिसंबर 2019 के मध्य मास्को रूस में संपन्न किंग सलमान वर्ल्ड चैंपियंस 2019 में ओपन वर्ग रैपिड स्पर्धा और महिला वर्ग रैपिड स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, और वहीं कुनेरू हम्पी, जो कि भारत से हैं। देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कुनेरू हम्पी को लेकर के, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। 12 जनवरी 2020 को सऊदी अरब के जेद्दा में संपन्न स्पेनिश सुपर कप 2019 का खिताब रियल मैड्रिड ने पेनाल्टी शूटआउट में किस फुटबॉल क्लब को पराजित कर जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड। 21 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 के मध्य महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता गोल्डन गर्ल्स चैंपियनशिप 2020 बोरास